हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। और एक बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है, असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज और जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज कहाँ पे आ रही है, ये बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी समझ में आएंगी चीज़ें। और लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो भी इंफॉर्मेशन मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, इंस्टा पे और फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे भी अब देने लगा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब ये आ रही है दिल्ली से, दिल्ली DSSB से, यानी DSSB AE और JEE पे वैकेंसीज पे जो भी है आ रही है। अभी LG दिल्ली के जो हैं, LG LT जो दिल्ली के चलते हैं उपराज्यपाल, अब जो चलते हैं तो DSSB JEE यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट में वैकेंसी तगड़ी है। इन्होंने क्या बोला, हैविंग एक्सपेक्टेड द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, DSSB एक्सपेक्टेड टू फिल एनी अदर 20,000 गवर्नमेंट वैकेंसीज बाई मार्च नेक्स्ट ईयर, सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग द ह्यूज वैकेंसी इन दिल्ली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। भाई उनकी वैकेंसी, अब देखिए 20,000 वैकेंसीज है। अब 20,000 वैकेंसीज में आप सोचोगे कि क्या इंजीनियर को कितनी वैकेंसीज मिलेंगी। देखो एक बार आया था, मैं बताऊं 500 और 600 नियर अबाउट दोनों मिला के अच्छी खासी वैकेंसी थी, AE और JEE की मिला के ठीक ठाक 800-900 वैकेंसी थी जब पिछली बार आया था। अब इस बार एक्सपेक्टेड कितनी वैकेंसीज आपकी आ सकती है तो सुनिएगा जरूर ध्यान से। DSSB JEE और AE एक तरह का कह सकते हो ओपन है यार, मतलब ओपन, सभी ओवरऑल इंडिया फॉर्म फिल कर सकता है। और AE एंड JEE मिला के इस बार एक्सपेक्टेड 700 से 800 वैकेंसीज है। JEE में 500-600 वैकेंसीज और AE में 250-300 वैकेंसीज है। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, कोई गेट नहीं, कोई ऐसा नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, डायरेक्ट फॉर्म भरो और डायरेक्ट एग्जाम आप इसका दोगे। ये 700-800 कंफर्म है कि दिल्ली में विद इन 1 या 2 मंथ, मतलब मैं मान के चलो ज्यादा से ज्यादा इस साल के लास्ट तक भी आ सकता, अक्टूबर नवंबर तक भी आ जाता, क्योंकि ये फॉर्म लास्ट तक ही निकालते, कभी न्यू ईयर के पहले निकालते या न्यू ईयर के बाद निकालते, बट वैकेंसीज ये निकालते हैं। मार्च तक इन्होंने दिया है तो 20,000, तो इसमें क्या क्या आएगी अभी देखो, JEE की वैकेंसीज आएगी, AE की वैकेंसीज आएंगे। और इसमें बहुत अच्छी बात ये होती कि ओवरऑल स्टेट इस फॉर्म को भर सकते हो और 700-800 वैकेंसी। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये भी होती है, डिप्लोमा और बीटेक दोनों अलाउड होता है इसमें, JEE में भी भर सकते हो, AE में भी भर सकते हो। AE में कभी कभी एक्सपीरियंस भी मांग लेता है, बट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में डिप्लोमा और मतलब AE में तो बीटेक होता है, डिप्लोमा वाले JEE में भी आप बीटेक वाले भी अलाउड हो जाते हैं। ये दोनों अच्छी बात है DSSB JEE और AE में, तो बीटेक के लिए खासकर होता है, डिप्लोमा के लिए तो। बट इनका जो सबसे बड़ा दिक्कत होता है एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा इनका टफ होता है, ऑलमोस्ट बहुत डिफरेंट होता है। पांच इनके पैटर्न बने होते हैं, जैसे कि टेक्निकल हो गया, रीजनिंग हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, देखो टेक्निकल हो गया रीजनिंग हो गया एप्टीट्यूड हो गया जिसे मैथ बोलते हैं, उसके बाद GS, GK, उसके बाद हिंदी और इंग्लिश, ये 5-6 पैटर्न बना देते हैं 10-10 का। फिर उसके बाद ये होता है कि अगर आपने पहला स्लॉट शुरू किया है पहले स्लॉट से ही चलना पड़ेगा, और उसको सबमिट कर दोगे तभी नेक्स्ट स्लॉट होगा, और दोबारा जो सबमिट कर दिए वो दोबारा पे आ नहीं पाओगे, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है एक एग्जाम में, बहुत डिफिकल्ट एग्जाम होता है DSSB JEE और AE का एग्जाम, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए, वैकेंसीज आ रही है भर भर के, RRB JEE, SSC JEE, UP SSC JEE, राजस्थान AE JEE, बिहार, तो भर के वैकेंसीज है भाई, 20,000 वैकेंसीज इसमें, ऑलमोस्ट सभी को, टीचर्स की भी वैकेंसीज इसमें है। अब दूसरा UP SSC JEE पे बात कर लें, जो कोर्ट केस चल रहा है अभी, क्या हुआ उस कोर्ट केस का, तो UP SSC JEE का कोर्ट कोस का मैं बता देता हूं अभी। इसमें क्या है, अभी केस मतलब 28 तारीख का हुआ था, अभी 3 सितंबर को भी है, कुछ ज्यादा कोच ने जो पेटिशनर थे उनके पे ही सुना जा रहा है मेनली, जो पेटिशनर फॉर्म भरे हैं, टोटल पेटिशनर 26 लोग हैं, इसमें मेन है शुभम चंद्रा त्रिपाठी एंड 25 अदर्स। अब रिस्पॉन्ड क्या है, यूपी सबऑर्डिनेट कमीशन ने दिया है, यहाँ पे देख सकते हो, मैं PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, एंड 4 अदर्स। उन्होंने क्या बोला है, काउंसिल ऑफ पिटिशनर प्रशांत रंजन, गौरव उपाध्याय, हेमंत कुमार मिश्रा, ये सारे थे काउंसिल ऑफ रिस्पॉन्ड, गौरव महंत्र, ये सारी चारी थे, ऑनरल वी रंजन रॉय, हॉनरेबल ओम प्रकाश शुक्ला, लिस्ट ऑफ 18/9/2024 को अब है। तो इसमें क्या, पेटिशनर टू फाइल रिजॉइंटेड एफिडेविट प्रायर टू द नेक्स्ट डेट, आपको रिजॉइंटेड एफिडेविट बनाना पड़ेगा नेक्स्ट डेट पे, विच बी हियरिंग ऑफ द मैटर
सेल स्टार्टेड। तो ऑर्डर डेट है 28/8/2024 का और अगला ऑर्डर जो आपको है 18/9/2024 को दोबारा से सुना जाएगा। तो कुछ खास नहीं है यार, अभी इधर से उधर चीजें चल रही हैं, अभी पूरा मामला फंसा हुआ है, किसके तरफ जाएगा क्या होगा कुछ है। अभी तीन तक और दो केसेस चले, एक इलाहाबाद केस में चल रहा है, एक आपको यहाँ पे चल रहा है। तो यूपी ट्रिपल एससी जेई बता सकते हो कि यार मुझे जो लगता है पेट तो रिमूव नहीं होने वाला, ये कंफर्म है, पेट रहेगा रहेगा। फायदा ये है कि अगले 2000 जो नेक्स्ट आपका यूपी ट्रिपल एससी जेई मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए आएगा उनके लिए मे बी पेट आपको जो अक्टूबर नवंबर में होगा उसको देकर आप जा सकते हो, पेट ये हटाने वाले नहीं है। और उसके बाद बात किया जाए आपकी वैकेंसीज की, बात की अदर वैकेंसीज की बात किया जाए इसमें आएंगे, बट आपको पेट देना है, अच्छा खासा प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा इसके लिए यार। बट इसमें बीटेक जो पेटिशनर के थ्रू है मे बी जो हुए हैं उन्हीं का होगा, पेट के थ्रू जिन्होंने फॉर्म भरा वो होंगे। मामला कुछ गड़बड़ है यार, देखते हैं क्या होता है। कुछ खास रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा है, आप जाओगे कोई दोनों टीम पैसे पे चल रही है, कोई ए हायर वो हायरिंग, कुछ नहीं है यार अभी ना बीटेक अलाउड। बीटेक जितना लोग फॉर्म भरे हैं इरीगेशन डिपार्टमेंट वही अलाउड है, बाकी ऐसे अदर डिपार्टमेंट में का कुछ नहीं। डिप्लोमा वाले मैं कहूँगा यार इससे अच्छा मौका आपको डिप्लोमा वालों नहीं मिलेगा, 5000 वैकेंसीज है, रेलवे वोलवे सब छोड़ दो भैया, सिर्फ यूपी ट्रिपल एससी जेई पे लग जाओ, आज नहीं तो कल जॉब मिल जाएगी आपको। आप रेलवे पे सोचोगे एसएससी पे जॉब नहीं मिलेगी, सच बता रहा हूँ, इससे कम फॉर्म भरे हैं और बहुत तगड़ा कंपटीशन है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ऐसे न्यूज पाने के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।